और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को झूठ की दुकान बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ की दुकान है, तुष्टिकरण की राजनीति, आतंकवाद का समर्थन करना कांग्रेस की पहचान है। और जिस तरह पिछले चुनाव में झूठे वादे कर कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, उसी तरह इस चुनाव में भी उनकी झूठ की दुकान खुल गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट आ भी नहीं सकती जी, आ भी नहीं सकती। इंडिया गठबंधन दिखेगा क्यों? अभी लिस्ट तो आए, फिर देखो क्या होता है। जब लिस्ट नहीं आई है, उससे पहले जूतम तैयार हो रही है। आक्रोश दिखाने चले थे, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आक्रोश शुरू हो गया। तो इनको इनको आने दीजिए, इनको पता लगेगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस कांग्रेस का नेतृत्व तो अप्रासंगिक हो गया है। कांग्रेस यहाँ जमीन खो चुकी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो अब ये झूठ के पकवान और झूठ की दुकान यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ की जनता इन्हें जानती है। कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और ये वो लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ पड़े होने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जो सनातन को एड्स कह रहे हैं, ये वो लोग हैं। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे सनातन, ये सनातनी लोगों की भूमि है, ये सनातन पर काम करने वाले लोगों की भूमि है। ये 9.5 करोड़ सनातनी जनता ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म सनातन को एड्स कहते हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं, तो ऐसी कांग्रेस, ऐसे इंडिया गठबंधन को इस मध्य प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने दिया।